बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अभी अभी स्कूल लीडर का जो पेपर हो चुका है, आज 29/6/2022 यानी 29 जून 2022 को अभी अभी जो पेपर हो चुका है, उस पेपर का टाइप डी, पेपर टाइप डी को अमल कर रहे हैं। अब पहले पेपर को बाई पार्ट्स आप अमल करेंगे, बाद में इंशाल्लाह ताला पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अमल करेंगे। लिहाजा आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जहां भी आपको गलती नज़र आए तो मुझे फौरन कमेंट्स में या व्हाट्सएप बताया करें। आप दोस्त मेरे साथ चलेंगे तो बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इफ ही हैड नोन दैट, ये कंडीशनल सेंटेंस है। हैड नोन, हैड के साथ हमेशा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। इफ ही हैड नोन दैट ही वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, विच स्पेसिफिक वर्ड्स इज आर यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो टाइम ऑफ एक्शन, दैट इज ऑप्शन सी सिंस एंड फॉर, इसमें इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, ही इज ड्रिंकिंग मैंगो जूस, ही इज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जो है दिस इज मेन वर्ब है, इसमें आइडेंटिफाई द मेन वर्ब, तो यहां पर मेन वर्ब ड्रिंकिंग है, लिहाजा इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इज यहाँ इज जो है ना, दिस इज एक्सिलरी वर्ब या इमदादी फेल जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, द कैट इज लिकिंग, लिकिंग मानी चाटना, इट्स पाव, पाट पंजों को कहते हैं, तो इट्स पा, अपने पाओ को, तो दिस इज पोजिशियो प्रोनाउन। इट्स क्या है, इट इज अ पोजिशियो प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर क्वेश्चन को, अल्लाह ताला की रस्सी को तामने से मजबूत होता है मिल्ली इत्तेहाद, ये कुरान का एक आयत भी है ना कि तपर्रुके पे मपड़ो, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तो इससे इत्तेहाद जाहिर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली जगह है, कैरू से जो शख्स किसी खुराक को 40 दिन तक जखीरा करे तो वो अल्लाह ताला से बरी और अल्लाह ताला से बुरी, कुछ इस तरह के अल्फाज है, बरी ये अहादीसी मुबारका है, नबी अलैहिस्सलाम का अहादीस है कि यही जो है ना, ये जो पता है ये अहादीस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस 7x-6, तो इसका तो ऐसा है कि ये बहुत सारे तरीक़ों से इसका हो सकता है, लेकिन इसको आप कर ले, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, नहीं इसको डिवाइड कर ले, इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एनी हाउ, अब अगर मैं हल करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैंने इसको हल किया है, लेकिन इस वक्त ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, छोड़ो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा देखे, क्वेश्चन नंबर एट लिखा हुआ है कि पैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, पैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, जापर टॉट ऑफ अ नंबर, जापर ने एक नंबर जहन में रखा, परस कर हम कहते हैं कि वो नंबर एक्स है, एडिट 3, उसके साथ 3 जमा किया, 3 जमा किया उसके साथ, देन डबल द सम, उसको डबल किया तो इसको 2 से ज़रब दे दो, होल मल्टीप्लाइड बाई 2, ही गॉट 40, तो ये आएगा 40। अब इस इक्वेशन को हल कर ले तो ये हो जाएगा 2x-6 को इक्वेशन से उस तरफ ले, चलो तो 40 में से 6 माइनस करो, 36 रह जाएगा 36। अब दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लो, 2 पे, सॉरी 40 में से 6 माइनस को 34 रहेगा, 36 नहीं सॉरी 34 रह जाएगा। अब 34 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है।
क्वेश्चन नंबर 10 से के 10 नंबर क्वेश्चन, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हेल्थ वेलिंगनेस ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर विजन हियरिंग और स्पीच एम्पेयरमेंट और साइकोलॉजिकल और अनदर स्पेशलाइज टेस्ट रूल। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं मेरे तरफ से, लेकिन ऑप्शन सी मैं कहता हूँ कि करेक्ट है। किसी दोस्त को अगर पता है तो प्लीज़ इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे बता दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फॉर ईच कंटेंट एरिया द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइंड व्हाट, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन ऑप्शन डी कीवर्ड्स एंड वोकेबलरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को, और रेटिंग सिस्टम बाय विच टीचर्स कैन डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी अ स्टूडेंट इज एबल टू परफॉर्म अ टास्क और डिस्प्ले नॉलेज ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्वेश्चन जो है ना दोस्तों बी करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है, रोबिक रोब्रिक इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसका रोब्रिक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को, द टीचर ओनली हैज टू इंडिकेट वेदर और नॉट सर्टन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द परफॉर्मेंस। तो इसको ऑप्शन सी जो है ना चेक लिस्ट अप्रोच ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये तो दोस्तों इस पेपर का पार्ट नंबर 1, आज ही पूरे पेपर को इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट करूंगा। जहां पर भी आपको गलती नजर आए तो प्लीज़ जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करें ताकि हम आखिर में पूरा पेपर को अपलोड कर लें। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।